आइए सबसे पहले ऊंचाई पर काम करने का मतलब समझ लें। ऊंचाई पर काम करने का मतलब ऐसी जगह पर काम करना जहां पर अगर सावधानी न बरती जाए तो कोई व्यक्ति गिरकर घायल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पहली बात जो आपको जाननी है, ऊंचाई पर काम करने के लिए हाइट पास का होना जरूरी है। हाइट पास टेस्ट होने से पहले एक डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। ये है ऊंचाई पर काम करने वालों के लिए जरूरी पीपीई। ये है लैनयार्ड यानी रस्सी। तब तक काम शुरू ना करें जब तक आपका लैनयार्ड इसमें मजबूती से अटक ना जाए। लाइफलाइन तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको ऊंचाई पर लगातार जगह बदलते हुए काम करना पड़ता है। ये है रोप ग्रैब। इसका इस्तेमाल स्कैफोल्ड की ऊंचाई या खड़ी सीढ़ियों पर आते जाते किया जाता है। चढ़ते या उतरते समय अगर आप गिर जाएं, तो यह रोप ग्रैब लाइफलाइन को मजबूती से जकड़ लेता है और आपको गिरने से रोक लेता है। अगर निर्माणाधीन इमारतों के सिरों या कट्टों पर, वॉकवेज पर और स्कैफोल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म के सिरों पर गार्ड रेल्स लगाई गई हैं या सही एज प्रोटेक्शन दिया गया है तो काफी हद तक दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। पक्का कर लें कि निर्माणाधीन इमारतों के कट्टों यानी एजेस के पास नीचे और चारों तरफ सही सुरक्षा जाल लगे हों। हम अलग अलग तरह के स्कैफोल्डिंग्स पर काम करते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन पर काम करने का सही तरीका जान लें। स्कैफोल्डिंग पर चढ़ने से पहले ये देख लें कि वो ठीक तरह से बंधी है, सुरक्षित है। ऊंचाई पर काम करते समय ठीक तरह से उठे हुए और मजबूत काम करने के प्लेटफॉर्म और आने जाने का सुरक्षित रास्ता, ये बेहद जरूरी चीजें हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं सीढ़ियों को इस्तेमाल करने का सही और सुरक्षित तरीका। सीढ़ी हमेशा सपोर्ट देने वाली और टिकाने वाली सतह की तरफ सही झुकाव के साथ खड़ी होनी चाहिए। याद रखें, असुरक्षित किनारों, छेदों, गार्ड रेल्स, शेफ्स या खुली हुई लिफ्ट्स के किनारों पर ना बैठें। प्रिय कर्मचारियों, जब भी आप ऊंचाई पर काम करने जाएं, हमेशा अपनी सेफ्टी बेल्ट पहनें, जिसमें लैनयार्ड लगी हो और रोप ग्रैब जो ठीक से लाइफलाइन या एंकरेज पॉइंट से जुड़ा हो। ये करना तो आपके अपने हाथ में है,